स्वतंत्रता दिवस पर ज्ञान निकेतन स्कूल के प्रांगण में बच्चों के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई तरह की प्रस्तुति की गई, जिसे देखकर लोगों ने खूब तालियां बजाई। इस दौरान स्कूल के प्रांगण में तिरंगा झंडा फहराया गया। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य अजय कुमार ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्षोल्लास तरीके से विद्यालय के प्रांगण में मनाया गया है। हालांकि बारिश की वजह से कुछ असुविधा हुई, बावजूद इसके बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। इस दौरान भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। अभिभावकों ने भी बच्चों की प्रस्तुति देखकर काफी सराहा है। बच्चों के मन में उत्साह बना रहे, इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, साथ ही उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। हम लोग हर साल जो है स्कूल में 15 अगस्त का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। बच्चे लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। हालांकि बारिश के मौसम के कारण उस तरह का तैयारी नहीं हो पाता है। हम लोग कम ही जो है स्केल पे करवाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं। डांस हो गया, सॉन्ग वगैरह, स्पीचेज सारे बच्चे ने अच्छे से दिया आज। और इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करते ही रहते हैं रेगुलर। 26 जनवरी तो और ही धूमधाम से होता है, क्योंकि उस समय क्या है कि बारिश वारिश का कोई टेंशन नहीं रहता। इस बार क्या है कि कल ही बारिश हो गया है ज़्यादा, तो इस कारण जो है तैयारी थोड़ा सा शॉर्ट करके, प्रोग्राम को शॉर्ट करके और मनाया जाता है। दिन भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है 78 नंबर का, और बच्चों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा व्यवस्था किया गया है आज़ादी को सेलिब्रेट करें हम लोग। यहाँ पर बच्चों को ये जानकारी देना जरूरी है, आखिर देश आज़ाद कैसे हुआ, किन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन सपूतों को, उन वीर सपूतों को जो अपने प्राण की आहुति दे करके हमारे देश को स्वतंत्र करवाया। अब भारत देखिए, ऐसे तो हम लोग जान रहे कि भारत आज़ाद हुआ अंग्रेजों, लेकिन क्या भारत सच में सिर्फ अंग्रेजों से आज़ाद हुआ? तो ये सब समझने की बात है। भारत को गुलाम बनाने के लिए आज से नहीं बल्कि 712 ईस्वी पहले, ईस्वी पूर्व पहले मोहम्मद कासिम आया था, और मोहम्मद बिन कासिम के बाद सिकंदर, गजनवी, गौरी, फिर मुग़ल आए, फिर ब्रिटिश आए। मकसद उनका सिर्फ यही था कि भारत को लूटना और लूट करके अपना पेट भरना। फिर हमारे वीर सपूत भी थे, शुरू से अगर देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बीडी सावरकर, तमाम स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति खुशी खुशी दे दी। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए इस वीर पुरुष को, और हम हमेशा सदैव ऋणी रहेंगे इन। और आज जो है हमारे स्कूल में जो हर्षोल्लास के साथ में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, ये हमारा 78 इंडिपेंडेंस डे है। और इंडिया जो है हमारा एक्चुअली एक भारत है, और भारत जो है तपों की धरती है, और यहाँ पे जो है ऋषि मुनियों ने जिस तरह का हमारा सनातन धर्म को बढ़ाया और ये किया, तो जितने भी हमारे जितने भी डिस्ट्रॉयर थे वो आए, चाहे वो गजनवी की बात हो रही है या हमारे ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, ये सब सारे आकर के यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज को दोहन किया। लेकिन जब हम लोग देखेंगे एंशिएंट मिडाइवल और प्रेजेंट सिनेरियो को, तो अगर हम लोग को हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो हम लोगों को बच्चे को क्या करना है कि जो भी आजकल व्हाट्सएप और जो भी हमारा सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, हमको टेक्निकली जो है बच्चों को अपलिफ्ट करना है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो इन ए पॉजिटिव वे, समझ में आए। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमारा गणतंत्र दिवस का जो ये हमारा स्वतंत्र दिवस का जो मेन थीम है, जो हमारा 78 इंडिपेंडेंस डे का मेन थीम है कि हमारा इंडिया फर्स्ट, हमारा जितने भी युवा जो है फर्स्ट होना चाहिए, समझ में आया। उसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों की भी बात होनी चाहिए। सारे चीज़ को हम लोग एक्युमुलेट करके जो है आगे हमारे देश को आगे क्या करना चाहिए, प्रोग्रेसिव वे में जो है हमारा आगे बढ़ना चाहिए।